भाई ये हो गया भाई। और आज मैंने सारी मतलब काफ़ी लेट में उठा हूँ मैं। कल मैं सीरियस में कह रहा हूँ, लगभग आज 8वां दिन है मेरा। और आज मैं काफ़ी ढंग से सोया हूँ और इस टाइम 8 बज रहे हैं भाई। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है। और निकलते हैं यहाँ से भाई, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और देख रहे बच्चे का कुछ ऐसी है, ये आश्रम है, हिंदू आश्रम। और कल मैं यहीं पर रुका था और यहाँ कल रात को शादी हो रही थी भाई। शादी लगभग 11-12 बजे तक गाना बज रहा था, मतलब डीजे बज रहा था 12-1 बजे तक, इसलिए मैं सो नहीं पाया कल। और फिर रात को नींद आ गई थी लगभग 1 बजे करीब, बहुत अच्छी नींद आ गई थी। और इसलिए मैं काफ़ी लेट में उठा भाई। चलो फिर ज़्यादा बात करनी, चल निकलते हैं यहाँ से भाई, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो भाई मैं रूम से निकल गया हूँ और सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक ढाबा है, नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरे को नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई मैं होटल में आ गया हूँ और भाई नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि लेट तो काफ़ी हो गए। ठीक है, और आगे मुझे पता है मैंने आगे नाश्ता करना आने से पहले कि अभी कर लूँ मैं, तो नाश्ता बनने में टाइम लगेगा थोड़ा, 5 मिनट लगेंगे पराठे बनने में। हम पराठे खा रहे हैं भाई। मैं जिस आश्रम में कल रात को था, वहाँ से लगभग 4 दुकान छोड़कर ये शॉप है। नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। तो भाई नाश्ता कर दिया और मैं होटल से निकल चुका हूँ। काफ़ी भयंकर धूप लगी यहाँ भी भाई, मगर यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, इतना गर्म भी नहीं है। और यहाँ रोड बहुत खतरनाक है। तो भाई यहाँ की रोड बहुत खतरनाक है। और चलो अच्छा हुआ यार, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, धूप चली गई है भाई, थोड़ी देर के लिए लगी धूप और मौसम सही हो गया भाई, बिल्कुल छाया भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह चलने में भाई। तो यहाँ से सराय लगभग 36 किलोमीटर है भाई, मतलब आज मैं यहीं पहुँचूँगा मेरे हिसाब से लग रहा मुझे, क्योंकि 36 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, इस टाइम पे तो शुरू शुरू टाइम पे तो नहीं था ज़्यादा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल गया। और रोड को देख कर, काफ़ी ढलान वाली रोड है, और इस रोड को देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर को जा रहा हूँ वहाँ से। तो वही लगभग 9-11 हो गए और लगभग अभी तक मैं सिर्फ 3 किलोमीटर आया हूँ भाई। काफ़ी लेट में उठ गया आज मैं भाई, 6-8 बजे रास्ते लगा हूँ मैं, फिर मैंने नाश्ता भी किया, टाइम काफ़ी लग गया भाई। तो कवर करना थोड़ा टफ है। और सेम मेरे पहाड़ वाला फील आ रहा भाई इस साइड, इधर पहाड़ दिख रहे हैं सारे भाई, दिख रहा आप? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ मैं, ऐसी रोड है सेम। हाँ तो भाई अभी आते हुए क्या हुआ कि मैं चल रहा था तो मुझे थकान लगी, तो मैं बैठ गया किसी जगह पे, और मैंने छाता रखा हुआ था पीछे, वो छूट गया पता नहीं कहाँ, उसके चक्कर से लगभग मैं काफ़ी पैदल गया नीचे तक, मगर भाई छाता नहीं मिला यार, लग रहा हो काफ़ी दूर छूट गया। छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे चलते हैं आज, बस धूप ना लगे मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास छाता भी नहीं है भाई। भाई सेम देखो ना, पूरा उत्तराखंड जैसा है ये भी। इस साइड भाई खाली ढलान है, सिर्फ ढलान, ढलान कहते हैं सिर्फ ढलान भाई, और कुछ नहीं यहाँ पर, जैसे पहाड़ साइड में होती ढलान वैसे यहाँ भी ढलान ही है बस, और कुछ नहीं है। जब से मैं निकला हूँ वहाँ रूम से अपने, तब से ढलान ही चल रही है, देख रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई लग गई है, मगर इस चढ़ाई में पता मज़ा आ रहा है, पता क्यों आ रहा है मज़ा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे अपने गाँव वाला फील हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी रोडों में चढ़ाई होती है, ढलान होती है, ऐसी रोड है सेम। ठीक है, तो भाई देख रहे हो मैं वहाँ से आया, मैं कल रात वहीं ठहरा था जो ऊपर दिख रहा है आपको,
और वहाँ से घूम घाम के सीधा इधर और यहाँ से यहाँ। इतने में पसीने ख़राब हो गए क्योंकि भाई ये इस रोड में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, फिर ढलान भी बहुत ज़्यादा है भाई। और देख रहे भाई ये चढ़ाई पूरी चढ़ाई लगी हुई यार। चलो चलते हैं भाई। थोड़ा बैठ जाते हैं भाई। हाँ हाँ देखो शिमला भाई बहुत दूर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर, लगभग यहाँ पहुँचने के लिए मेरे को लगभग 3-4 या 5 दिन लग सकते हैं भाई यहाँ पहुँचने के लिए, शिमला पहुँचने के लिए। पसीना आ गया भाई, अभी थोड़ा सा भी नहीं चला पसीना आ गया क्योंकि चढ़ाई है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसलिए। और यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे गर्मी वाला मौसम नहीं जैसे भाई वहाँ था, वहाँ तो मरने वाला है भाई। ऐसे कोई अगर बंदा ऐसे चलेगा ना जैसे मैं चल रहा था भाई, तो पक्का उसने बेहोश होना ही होना है, बस चक्कर आने आने, इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई रोडों में। यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर भी चलने में दिक्कत नहीं हो रही भाई यहाँ। तो भाई लगभग मैं 5 किलोमीटर आ गया हूँ और देख रहे हो भाई चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। वहाँ देख रहे हो भैं, वहाँ ऊपर जाना है मुझे, पूरी चढ़ाई है पूरी की पूरी चढ़ाई। तो भैया सही में कह रहा हूँ हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है, पूरी चढ़ाई है पूरी चढ़ाई भाई। तो भाई लगभग मैं 7 किलोमीटर आ चुका हूँ भाई नहान से भाई, और चढ़ाई ख़त्म बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल चढ़ाई है देख रहा, बिल्कुल चढ़ाई। ये चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है भाई, इस चढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, सीधा रोड बिल्कुल नहीं है। एक तो काफ़ी ज़्यादा घूम है यहाँ पर, ठीक है, तो घूम में पता है भैया थोड़ा बस, जब बस आते हैं ट्रक आते तो काफ़ी डर लगता है घूम साइड में, तो ज़्यादा रोड ज़्यादा घूमी हुई रहती है और ऊपर से चढ़ाई भी है, इतनी चढ़ाई है कि ट्रक तो जो लोड हो रखे ट्रक है ना वो चढ़ नहीं पा रहे, देख रहे हो आप चढ़ ही नहीं पा रहे ऊपर वो। चलो भाई यहाँ से भी चलते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 मिनट रेस्ट करेंगे क्योंकि भाई आज मैं थोड़ा देर में भी आया हूँ, मैं देर में रास्ते लगा हूँ 8 बजे भाई, तो मुझे जल्दी पहुँचना है भाई, ठीक है 30-32 किलोमीटर क्रॉस करना है, वैसे 35 किलोमीटर है, क्रॉस करते हैं उसे एक बार फिर आराम से बैठेंगे। तो भाई जहाँ मैं कल रुका था वहाँ का नाम है नहान, और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ वहाँ का नाम है सोलन, ठीक है भाई। सोलन काफ़ी दूर है वैसे तो भाई, मगर देखते हैं हम पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट में उठा था 8 बजे भाई, ठीक है। कल मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, बहुत टाइम से मैं सोया नहीं था भाई, नींद नहीं आ रही थी मेरे को, लगभग 3-4 बजे नींद आ रही थी मेरे को, तो आज कल मैं काफ़ी अच्छी तरह सोया भाई, क्योंकि कल काफ़ी दर्द नहीं हुआ मेरे पैर में बिल्कुल भी, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह सोया था। और भाई धूप भयंकर लग गई यहाँ भी दोबारा, मगर भाई यहाँ धूप का ना इतना एहसास नहीं हो रहा भाई, ठीक है। जैसे नीचे साइड था भाई धूप लग रही ना भाई, बिल्कुल आग जल रही है, मतलब कह सकते हो पूरी बॉडी में भाई, इतनी बुरी हालत हो रही थी, मगर यहाँ पर धूप का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ यहाँ पर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है भाई हिमाचल साइड में। तो भाई लगभग 8 किलोमीटर पे एक मार्केट आया है, पता नहीं भाई इस मार्केट का नाम क्या है, यहाँ पर पानी भरते हैं थोड़ा क्योंकि मेरा पानी ख़त्म हो गया भाई। यहाँ से 2 रूट जा रहे हैं भाई, कौन सा रूट होगा अपना अभी देखते हैं, जाएगा पानी भरतेगा भाई। तो भाई मैंने पूरी बर्फ़ वाली बोतल ली है क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक बोतल के पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए 2 बोतल ले ली मैंने पानी की, और चलते फिर यहाँ से भाई थोड़ा देर बैठेंगे यहाँ पर 2 मिनट उसके बाद सीधा चलेंगे, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मेरा छाता तो भाई पता नहीं कहाँ छूट गया। तो भाई आज तो मैं हिमाचल की हवा ले रहा हूँ ढंग से भाई एक पेड़ के नीचे, क्योंकि काफ़ी भयंकर धूप हो रही है
हवा भी चल रही है, धूप भी हो रही है, ऊपर से मेरे पास छाता भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट गया और हवा ले रहा हूँ भाई। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है भाई, बहुत बैंक हवा चल रही है। देखो देखो मेरा कैसे उड़ रहा है पैम्पलेट। यहाँ पर लगभग 10 मिनट रुकूँगा, 10-15 मिनट, उसके बाद चलूँगा अपने ट्रैक पे। तो भाई लगभग 10-11 मिनट लेटा मैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। ऊपर देख रहे हो भाई जंगल में आग लगा रखी, पता नहीं किसने लगा रखी, पेड़ काट रखे, देख रहे हो पेड़ पे आग लगा रखी सारी। यार ये गलत चीज़ है यार, ऐसे गलत काम नहीं करे करो तो वो अच्छा रहता है। जैसे हम जी रहे हैं वैसे जंगलों में भाई जानवर भी होते हैं, ठीक है, तो ये काम गलत है। सारे जंगल पे आग लगा रखी है भाई, यहाँ तो यहाँ भी लगा रखी है, यहाँ लग चुकी है, यहाँ लग रही, यहाँ अब लग रही है आग। जंगल को काटना और भाई उस पर आग लगाना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब आप लगाओ, कोई आपके घर को तोड़ेगा तो आपको कैसा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा ना। तो वैसे यहाँ पर एनिमल्स है दुनिया भर के और यहीं पर वो रहते हैं, यहीं पर उनका घर होता है, और ऐसी जगह पर तुम आग लगाओगे तो भाई बदबू तो लगेगी भाई। बोलते नहीं हैं मगर भाई दिल हर किसी के पास होता है, वो इंसान हो या जानवर हो भाई। देख रहे हो भाई ये आग लगभग कल परसों की लगाई रखी, मुझे लग रखा या कल रात को लगाई होगी हमने। तो भाई यहाँ नीचे पता नहीं कुछ लगा रखा है, इस पेड़ के बारे में मैं कुछ जानता नहीं क्या है ये, मगर इस पेड़ में भाई पूरा करंट है, देख रहे हो, मतलब ये तार लगाई गई है। आवाज़ सुन रही है आपको, कट कट आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही ना, तो ये पूरी बाड़ लगा रखी है, उसमें करंट लगाया गया है भाई, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख रहे हो भाई। और पता नहीं ये क्या चीज़ लगा रखी, मुझे नहीं पता इस पेड़ के बारे में, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे पेड़ कुछ। बहुत तेज़ आवाज़ करा, कट 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 कट, सिर्फ हाथ लगाने की देरी है और हाथ में भूस भूस तो नहीं होगा, मगर ये है कि करंट काफ़ी ज़्यादा लगेगा उस पर। देख रहे हो पूरी तार बाड़ कर रखी साइड, पता नहीं क्यों कर रखी है, पता नहीं मगर कर रखी होगी लोगों ने किसी चीज़ से। हाँ तो देख रहे हो भाई यहाँ से शिमला भाई 116 किलोमीटर है। क्या मैं कर सकता हूँ कल मैं एक ही दिन में शिमला पहुँच सकता हूँ क्या, तो देखते हैं। कल मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में शिमला पार कर दूँ, कर दूँ क्या, तो देखते हैं भाई एक दिन में शिमला पार होता है कि नहीं होता है और कितना होता है। अभी तो लगभग मुझे काफ़ी आगे जाना है, टाइम बहुत है अभी मेरे पास, चल रहा हूँ अपने रास्ते में। एक तो भाई रास्ते रास्ते में कुत्ते मिल रहे हैं भाई काटने के लिए, सही में कह रहा हूँ, इसलिए पीछे देखना पड़ रहा बार बार। यहाँ इधर पर कुत्ते ने काट रहे थे मेरे को, अभी वो तो मेरा छाता था, छाता से बच गया मैं। यहाँ पर नाम है देवदार, हिमाचल में मकान अच्छे बनाते हैं लोग, दुकान मकान सब अच्छे हैं, सही है, पूरे मकान पर टाइल्स है भाई। बस 16 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है लगभग, टाइम देख लेता हूँ, बस 4:30 हो गया, बस 4:30 टाइम, 4:30 हो गया भाई, तो मैक्सिमम 5-10 मतलब आप भी मान के चलो कि 3 घंटे और 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं काफ़ी आराम से बैठ बैठ के आया इसलिए थोड़ा लेट हो गई मेरे को, नहीं तो अगर मैं तेज़ चलता और बैठता नहीं कहीं पर तो आराम से पहुंच जाता अभी तक, मगर मैं आराम से बैठ बैठ के आया क्योंकि भाई हिमाचल की हवा कुछ अलग थी, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर, ठंडा ठंडा लग रहा था भाई, इसलिए मैं आराम से बैठा रहा, लेटा हुआ रहा जगह जगह पे। क्योंकि भाई जितने इतने दिन से चल रहा हूँ तो थोड़ा थकान भी अपनी दूर करनी है इसलिए।
तो भाई देख रहे हो यहाँ से सरा लगभग 20 किलोमीटर दूर है और ये गांव वाला इलाका है, अभी जंगल वाला इलाका था पूरा भाई। ऊपर दुकान है क्या? छाता छुता मिल जाएगा है? तो भाई मैंने ले लिया छाता, क्योंकि मेरा छाता पता नहीं कहाँ खो गया भाई, शायद से कहीं मैं बैठा हूँ और भूल गया वहीं पर मैं। और ये छाता जो काफ़ी महंगा पड़ा है, यहाँ तो भाई काफ़ी चीज़ बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं भाई शहर। तो देख रहे हो सेम ऐसे ही छाता है, ब्लैक कलर का। तो भाई यहाँ से लगभग सरा 14 किलोमीटर है। अरे पूरा जंगल है भाई, ये तो काफ़ी लंबा जंगल है भाई। तो यहाँ भाई शुरू से लेकर लास्ट तक जंगल ही है, एक दो मकान होंगे इसी बीच में बस, और पूरा जंगल ही है। देखो ना पीछे तो पूरा, ऊपर भी एक रोड है भाई, पता नहीं किस चीज़ की रोड है। अच्छा ये बस स्टॉप है। ओके लगभग 5:30 हो गया भाई और जंगल ही चल रहा पूरा अभी तक। यहाँ लाइट के तार कुछ अजीब से हैं, सिंगल वायर टाइप की है चार तार की लाइट की तार, और हमारे यहाँ कुछ अलग टाइप की होती है, यहाँ कुछ अलग टाइप की है, सिंगल वायर है सारी, मतलब पूरी पैक हो रखी है लाइन। तो शिमला भाई यहाँ से लगभग 111 है भाई शिमला। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ शिमला एक दिन में पार कर लूँ मैं, मगर देखते हैं भाई कल क्या होता है। तो भाई देख रहे हो पूरा हिमाचल ही ऐसा है, लगभग 5 या 10 किलोमीटर पे एक दुकान मिल रही होगी या एक छोटा सा मार्केट मिल रहा होगा, तो ऐसी कुछ है हिमाचल। अब दोबारा जंगल स्टार्ट हो गया, तो देख रहे हो भाई सूरज ढलने वाला है और लगातार मैं 3 घंटे से लगातार चले जा रहा हूँ, अभी तक जंगल ख़त्म ही नहीं हुआ है। और लगभग 6:40 हो गया भाई, मतलब 7 बजने वाली है। बिल्कुल सुनसान है भाई। तो भाई यहाँ से लगभग 500 मीटर पे दुकान है, 2-3 दुकान, तो लगभग यार मतलब 4 घंटे में अब जाके यहाँ पर 2-3 दुकानें आई हैं भाई। सही में कह रहा हूँ यार, इतना लंबा जंगल है भाई, मतलब सुबह से लेकर, सुबह में थोड़ा सा मार्केट लगा था 1-2 किलोमीटर पे, उसके बाद जंगल स्टार्ट हो गया था पूरा, और जंगल ख़त्म ही नहीं है भाई। तो और यहाँ पर मकाने भी बहुत कम है मतलब साइड, और दुकानें ही बहुत कम है भाई, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। और लोग पता नहीं मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ लोग मुझे घूरे जा रहे हैं वहाँ से पता नहीं क्यों। अरे यार मुझे शर्म आ रही बहुत ज़्यादा ऐसे घूर रहे हो। और भाई इस जगह का नाम है लवासा चौक भाई, इस जगह का नाम। अब ढलान है भाई, सुबह तक चढ़ाई थी अब ढलान आ गई। भाई चढ़ाई देखो, चढ़ाई कितनी खतरनाक है, अभी ढलान था अभी चढ़ाई होगी दोबारा, पूरे रास्ते पर चढ़ाई थी, यहाँ पर थोड़ा सा ढलान आ गया था, मुझे लगा अब ढलान वाला रास्ता होगा, फिर चढ़ाई स्टार्ट होगी दोबारा। भाई
तो पूरा रास्ता ऐसे ही है भाई, ढलान वाला, बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता पूरा भाई। हालत ख़राब हो रही है आज इस रास्ते में। तो भाई मुझे लगा कि 5 किलोमीटर होगा, मगर ये भाई 6 किलोमीटर है। बल्कि मैं 1-2 किलोमीटर आ गया हूँ, तब से चल रहा हूँ यार। कोई बोर्ड नहीं आ रहा था तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिया कि 5 किलोमीटर होगा, मगर यहाँ पर बोर्ड आया तो तब जाके पता चला कि अभी 5 किलोमीटर और है भाई। लग रहा मुझे वहाँ जाना है भाई, रोड वही जा रही पूरी। तो भाई सारा अभी 6 किलोमीटर है भाई, मुझे लगा कि 5 किलोमीटर होगा। तो देख रहे हो भाई 7 बज चुकी है भाई और अंधेरा होने वाला है। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, थोड़ा मुझे जल्दी जाना पड़ेगा जितना तेज सकूं, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 किलोमीटर पे होगा। तो जितना जल्दी जाऊँगा उतना बढ़िया है भाई। देख रहे हो भाई पूरा जंगल ही है रे, यहाँ तो मैंने मार्केट देखा ही नहीं। जहाँ सुबह से निकला मैं, सुबह से लगभग 2-3 4 किलोमीटर में मार्केट था, उसके बाद कोई मार्केट ही नहीं देखा, बस 1-2 दुकानें दिखी। बस 1-1 किलोमीटर पे 1-1 दुकान दिख रही है, 2-2 5-5 किलोमीटर पे दिख रही है कभी दुकानें, उसके बाद तो पूरा जंगल ही है। तो भाई अंधेरा हो गया, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है भाई, अंधेरा हो गया भाई। ठीक है मैं तेज़ चल रहा हूँ जितना हो सके। ना अभी गाड़ी आ रही कोई, ना कुछ कुछ आ रहा है यार। अगर गाड़ी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, फिर ऐसा लगता है कि चलो यार गाड़ी आ रही तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर ही है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं बस लगभग 2.5 से 2 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से भाई। हाँ तो दिख रही भाई आपको लाइट हल्की हल्की सी, बस मैं पहुंच ही गया, बस थोड़ा सा 0.5 किलोमीटर पे है भाई अब। और यहाँ पर देखते रहने का कोई ठिकाना, अपना कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा अगर। तो देख रहे हो भाई टेरेस ऐसा है कुछ, और वो उधर वाला होटल है, बस 2 ही होटल है और कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। आगे आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देख रहा आगे पूरा जंगल है भाई। और ये रूम कुछ ऐसा है भाई, ये देख रहा तो यहाँ सिर्फ 2 ही होटल हैं और कुछ नहीं है। अब मुझे ज़बरदस्ती में लेना पड़ा, आप क्या कर सकते भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो सबसे ज़रूरी है रहने का ठिकाना भाई, और मेरे पास कैमरे भी हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है फिर रास्ते रुस्ते में भाई सोने के लिए। तो यहाँ पर तो भाई 2 ही है, अगर होता कोई गाँव इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर सो जाता, मगर यहाँ पर बाहर सोने के लिए कुछ था ही नहीं। इधर भी जंगल और बीच में 2 होटल, बस यही रह गए। होटल दिखाता हूँ मैं, देख लो होटल काफ़ी अच्छा है।